जय साहिब की। दोस्तों सबसे पहले आपको एक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल को इतना लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। 500 सब्सक्राइब आ चुके हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में बच्चों का, अपने बुजुर्ग माता पिताओं का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माता पिता है तो सब कुछ है। ये एक परिवार की दीवार होती है। दोस्तों माँ बाप की सेवा करें, मैंने श्रवण कुमार की कथा के माध्यम से भी आप लोगों को बताया था, और उनके बाद सतगुरु जी की सेवा। मात पिता सतगुरु की सेवा कर ले बारंबार, ये तीन बड़ी सेवाएं हैं, ये अपने को करनी चाहिए। और दोस्तों जहां तक धर्म का सवाल है, धर्म किसे कहते हैं? जल थल नभ जीव चराचर में, जल यानी समुन्द्र, थल यानी पृथ्वी, आकाश, इन सब में जितने जीव जंतु है सब पे दया रखे। किसी एक जीव पे दया और दूसरे जीव पे अत्याचार, इसको धर्म नहीं कहते। परमानंद जी ने एक भजन में कहा है कि जिनको नहीं बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, और गुरु जी के शब्द का जिनको बोध नहीं है उनका ज्ञान क्या कर सकता है, वो गुरु जी के शब्द का क्या ज्ञान करेंगे। जल थल नभ जीव चराचर में, जितने जीव जंतु है सबको एक समान समझे। ठंड का मौसम है, जितना आपसे हो सके गरीब जिनके पास ओढ़ने को कंबल नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, तो जिन लोगों के पास उस देने लायक है तो वो उन्हें सहायता करें, ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। दोस्तों समय किसी का नहीं होता है, ये कब चला जाए कब आ जाए ये परमात्मा के वश में है। कब आदमी गर्दिश में चला जाए, कब उजाले में आ जाए, ये सब परमात्मा ही जानते हैं या गुरु महाराज जानते हैं। मेरे चैनल पे आप लोगों के लाइक और कमेंट ये देखकर मैं आज ये वीडियो आपको देना चाहता हूँ कि मुझे आज आभास हुआ है कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप सब लोग मेरे साथ हैं। तो दोस्तों आगे के लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो करें, और अपने जितने भी निजी साथी हैं उनको भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इस चैनल में मैं आपको, दोस्तों ये चैनल राजकुमार स्वामी आरकेएस चैनल, ये खुद निजी मेरा है, और आप लोगों के कमेंट देखकर आज मुझे एहसास हुआ है कि आप लोग मुझे अभी तक नहीं भूले हो, आज भी आप मेरे साथ हो और मेरा साथ दोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अपने चाहने वालों से करवाएं, ये मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूँ। अभी मेरे चैनल पे आपको दो भजन और दो होली धमाल जस्ट दे रहा हूँ, और ये सिलसिला हर दूसरे तीसरे दिन चलता रहेगा, मैं देता रहूँगा, मगर आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे। दोस्तों मेरे चैनल पे आपने जो मैंने कमेंट देखे हैं, आपने जो कमेंट किए हैं, तो मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि आज भी मैं अकेला नहीं हूँ। जैसे 20 साल पहले आप लोग मेरे साथ थे, आज भी वैसे ही आप मेरे साथ हो।
तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको इस चैनल पे लाइव आता रहूँगा। ये खुद का मेरा निजी चैनल है, राजकुमार स्वामी RKS। बार बार मैं लाइव आता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। अभी जस्ट मैं होली का टाइम है आगे, तो होली पे आपको मैं बहुत ही अच्छी एक दो चीज़ें दूंगा। और भजनों में 3 भजन सर्वप्रथम मुझे एक बार करने हैं, और उसके बाद भी ये सिलसिला तो चलता रहेगा हर दूसरे तीसरे दिन, जिसमें एक बालाजी भजन, एक कृष्ण भजन और एक गुरु महाराज सांगलपति जी का भजन। दोस्तों अभी मैं कुछ भजन, कुछ कथाएं जो आज तक किसी भी कंपनी में मैंने नहीं गाई है वो मैंने बना ली है और बना भी रहा हूं। आज के समय पे देवी देवताओं की जो धार्मिक कथाएं हैं अभी बहुत हैं, बहुत मसाला बाकी है, वो सब आपके सामने इस चैनल के माध्यम से, राजकुमार स्वामी RKS चैनल जो निजी मेरा है, इसके माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा और पहुंचाता रहूंगा। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आप शेयर करते रहें। दोस्तों आज मैं बैठे बैठे कुछ लिख रहा था और कुछ मन में जो बातें थी वो लिख रहा था, इसलिए मोबाइल से ही ये वीडियो मैं घर से आपको दे रहा हूँ। कोई भी चीज हो जब दिमाग में आती है तभी लिखी जाती है। और पहले भी मेरी लिखी हुई चीजें आपने सुनी है, आगे भी आप सुनेंगे, ऐसी मेरी आशा है। दोस्तों मेरे को तो आप जान गए, आप जानते हो, कई सालों से जानते हो, ये मुझे जन्म देने वाली मेरी माताजी है, इन्हीं का पुण्य प्रताप है और इन्हीं के प्यार से और इन्हीं के आशीर्वाद से दुनिया में इतना नाम है। माता पिता परमात्मा तीनों एक समान, जो इनकी सेवा करे निश्चय हो कल्याण। और ये मेरा बच्चा है, एक ही बच्चा है, 5 लड़कियां हैं, ये मेरी मिसेज है, ये बड़ी बेटी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, ये छोटी छोटी है, ये 5 बच्चियां हैं। और आप लोगों के सहयोग से, माता पिता गुरु महाराज के आशीर्वाद से ये परिवार चलता है। और मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार फिर 20 साल वाला 25 साल वाला पुराना जमाना भजनों की दुनिया में आपको याद दिला दूंगा अगर आपका सहयोग रहा। दोस्तों ये जो वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? मैं वही 25-30 साल वाला पुराने वाला राजकुमार स्वामी हूँ। आप इस पर कमेंट जरूर करना कि कैसे लग रहे हैं। मैं आपको वीडियो दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन जब भी मुमकिन होगा टाइम निकाल के मैं आपको देता रहूँगा। और आप मेरे चैनल को, राजकुमार स्वामी RKS चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मेरे पास न कोई धन है, न कोई माया है, उस परम पिता परमेश्वर ने, गुरु महाराज ने, बालाजी महाराज ने ये जो गला दिया मुझे, इसी में ही सब कुछ है। उन्होंने सब कुछ दे दिया है मुझे, बहुत दिया उन्होंने। बाकी ये मत समझ लेना कि मैं अरबपति या करोड़पति हूँ, मैं एक साधारण सा, क्योंकि हमारे ज़माने में पैसे नहीं थे इस लाइन में दोस्तों। 500 रुपये में एक कैसेट गाई है जिससे कंपनियों ने करोड़ों कमाए हैं, ये सिचुएशन थी। आज समय अलग है तो मैं फिर आप लोगों से जुड़ा हूँ, वो आप लोगों की चाहत देख के जुड़ा हूँ, आप लोगों के कमेंट देख के जुड़ा हूँ कि आप लोग आज भी मुझे वैसा ही प्यार करते हैं, वैसे ही चाहते हैं। तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, वो 20-25-30 साल वाला समय भजनों की दुनिया में आपको वापिस ला के दिखाऊंगा। बस